अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। टुडे इज़ अवर 19th लेक्चर ऑफ द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। एंड इन दिस लेक्चर आवर टॉपिक इज एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। एंड वी डिस्कस ऑल्सो डिस्कस अनदर टॉपिक इन दिस लेक्चर इफ़ वी हैव टाइम। इंशाल्लाह हम आज दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक जो है हमारा वो एनपी कंप्लीट है और दूसरा जो है हमारा वो स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है। वो बहुत ईजी सा है, उसको हम इसके बाद देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट द एनपी कंप्लीट। एक्चुअली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, या एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? एन एक्सपोनेंशियल अपर बाउंड, अ पॉलीनोमियल लोअर बाउंड। एक्सपोनेंट, इसकी जो दो लिमिटेशन है कि एक्चुअली प्रॉब्लम के साथ ये कौन सी चीज़ें हैं इसमें, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल की अपर बाउंड और पॉलीनोमियल की लोअर बाउंड है। वी हैव ओनली फाउंड एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम सो इट अपीयर टू बी इंट्रेसेबल, कि हम इसमें एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे और ये इंट्रेसेबल है, इसको हम ट्रेस नहीं कर सकते। मतलब इसके सोल्यूशन को हम ट्रेस नहीं कर सकते, किस तरह हमने इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, अनट्रेसेबल है, ठीक है। बट वी कॉन्ट प्रूव डैट एन एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन इज नीडिड, वी कॉन्ट प्रूव डैट अ पॉलीनोमियल एल्गोरिथम कैन नॉट बी डिवेलप, सो वी कॉन्ट से द प्रॉब्लम इज इंट्रेसेबल। अच्छा, उसमें वो ये एक प्रॉब्लम जो इसमें मेन चीज़ है वो कह रहे हैं कि सबसे पहले इसका हमें, हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि हमने इसको, इसके सोल्यूशन के लिए एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम यूज़ किए। हम ये भी प्रूफ नहीं कर सकते कि पॉलीनोमियल एल्गोरिथम, हमें लगेगा कि ये पॉलीनोमियल है लेकिन हम ये भी कि इसमें पॉलीनोमियल एल्गोरिथम यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो इस वजह से इन प्रॉब्लम को हम ट्रेस नहीं कर सकते, इस वजह से इसको इंट्रेसेबल करते हैं, क्लियर। ओके, नेक्स्ट है द अपर बाउंड सजेशंस जो हैं वो कह रहे हैं प्रॉब्लम इज इनट्रेसेबल, द लोअर बाउंड सजेस्ट द प्रॉब्लम इज ट्रेसेबल। कि अगर लोअर बाउंड है, अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि लोअर बाउंड जो है वो पॉलीनोमियल है और जो अपर बाउंड है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो अपर बाउंड जो है सजेस्ट द प्रॉब्लम इज इनट्रेसेबल, कि जो अपर बाउंड है अगर हम वो सजेस्ट कर रहा है कि हम ये इनट्रेसेबल है, इसको हम ट्रेस नहीं कर सकते। बट जो लोअर बाउंड है, मतलब पॉलीनोमियल एल्गोरिथम है, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि इसको हम ट्रेस, जो ट्रेसेबल है इसको हम ट्रेस कर सकते हैं, क्लियर। सो दो ये हमारे पास डिफरेंट वेज हैं जिसको हम लेके आगे चल सकते हैं। द लोअर बाउंड इज लीनियर, बिग ऑफ एन, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन, ये लीनियर है, लीनियरली काम करता है, तो लीनियर हमेशा उसकी बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी होती है। दे आर ऑल रिड्यूसेबल टू ईच अदर, एक दूसरे को रिड्यूस कर सकते हैं। इफ़ वी फाइंड अ रीजनेबल एल्गोरिथम और प्रूफ ट्रेसिबिलिटी फॉर वन, देन वी कैन डू इट फॉर ऑल ऑफ देम। वो कह रहे हैं कि अगर हम एक एल्गोरिथम से इनट्रेसिबिलिटी फाइंड कर सकें, रीजनेबल एल्गोरिथम फाइंड आउट कर सकें, तो फिर हम सारे एल्गोरिथम्स पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक पे हम ट्रेस करें दूसरे पे नहीं, हम सब पे कर सकते हैं। लेट्स सपोज ट्रैवलिंग सेल्समैन है, अब हमने ट्रैवल करना है, अब हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं, ग्राफ का आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है, डिफरेंट नोड्स हैं और ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। इसमें डिफरेंट नोड्स हैं, अब ये देखें कि इसमें अपनी अगर मर्जी से आप ट्रैवलिंग करें, एक नोड से जो जुबलू है वहाँ पे आपने ट्रैवलिंग की हुई है और जो नहीं है वहाँ पे आपने ट्रैवलिंग नहीं की हुई, तो ये डिफरेंट नोड्स हैं जिन पे नोड्स सारी कवर हो गई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे वेज भी कवर हों। नोड्स कवर होने का डज नॉट मीन ऑलवेज कि आपके सारे रास्ते भी कवर हों। अगर इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो, या लाहौर से आपने फैसलाबाद जाना है, तो इसमें तीन रास्ते हैं जाने के, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे रास्ते कवर हों। आप फैसलाबाद तो पहुंच जाएंगे लेकिन आपके सारे रास्ते कवर नहीं होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज आपने अपनी यूनिवर्सिटी से अनारकली जाना है, ठीक है, लेट्स सपोज, तो उसमें ये होगा कि एक तो ये होगा कि यहाँ से आप
ये एक रोड से, ये जो सगियां पुल वाला रोड है वहां से चले जाएं, दूसरा रोड है कि आप बेगम कोट से शाहदरा से होते हुए जाएं, तो आप अनारकली तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों वेज दोनों रास्ते कवर हों। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है या आपकी कन्वीनियंट है कि आप किस वे को चूज़ करते हैं, डेट इज़ ट्रैवलिंग सेल्समैन। अब ये देखें डिफरेंट, इसमें ये साइकिल्स बने हुए हैं, रेड वाले साइकिल्स बने हुए हैं आपस में, ब्लैक वाले आपस में साइकिल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये डिफरेंट साइकिल्स हैं। लेट सपोज ये 5 क्लिकर, 1 2 3 4 5, 5 रेड नोड्स हैं जो एक दूसरे के दरमियान साइकिल बना रही हैं। क्लियर, तो ये डिफरेंट साइकिल्स भी बनते हैं इसमें। ठीक है, साइकिल, और आगे देखें है हैमिल्टोनियन पाथ। हैमिल्टोनियन पाथ कुछ ये डिफरेंट उन्होंने इसमें एग्जांपल एनपी में सेल्समैन जैसे प्रॉब्लम है, और हैमिल्टोनियन पाथ ये देखें इस पाथ में भी सारे नोड्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, पाथ भी साइकिल्स भी बन रहे हैं। ठीक है, और ये एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, सारे ग्राफ बंद है। ठीक है, ये ट्री नहीं है, ये ग्राफ है। ठीक है, तो एक नोड पे मल्टीपल वेज भी जाते हैं। अब मैप कलरिंग, ये देखिए मैप कलरिंग में हम डिफरेंट नोड्स को डिफरेंट वो कलरिंग कर देते हैं। मैप है हमारे पास, एक मैप है उसमें हम डिफरेंट बिल्डिंग्स को डिफरेंट वेज रास्तों को दिखाने के लिए, वहाँ पे अगर कहीं रशी एरिया है वहाँ हम रेड शो कर देते हैं, जहाँ पे अगर कोई रास्ता बंद है वहाँ पे हम ब्लू शो कर देते हैं, जो रास्ते ओपन हैं वो ग्रीन। इस तरह हम डिफरेंट जो है मैप कलरिंग करते हैं मैप से। ठीक है, आगे है वर्टिस कवर VC। गिवन अ ग्राफ एंड एन इंटीजर के, इज देयर अ कलेक्शन ऑफ के वर्टिसेस सच दैट ईच एज इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द वर्टिस टू द कलेक्शन। वो कह रहे हैं कि जितनी भी आपकी कलेक्शन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अब ये देखें, लुक एट दिस, दिस वन इज, फर्स्ट वन इज ग्राफ, सेकेंड वन इज ट्री। वो हर एक से कनेक्टेड नहीं है, वो कंप्लीट बाउंडेड कनेक्टेड नहीं है। तो हमने इसको भी देखना है कि जो कंप्लीट कनेक्टेड बाउंडेड नहीं है वो उसको किस तरह हमने हैंडल करना। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो ग्राफ हमारे पास है उसमें इंडिविजुअल्स के हैं, और उसमें कलेक्शन ऑफ के जो डिफरेंट वर्टिसेस हैं उनकी एजेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं तो कलेक्शन है, दूसरे में वो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इसको क्या हम कहें, वर्टिस कवर, जिसमें कनेक्टेड है इसमें क्या है, वर्टिस कवर। आगे है क्लास जैसे स्केड्यूल प्रॉब्लम है, क्लास की स्केड्यूलिंग इसकी एक प्रॉब्लम अगर हम देखें, क्लास की सम टाइम द आपकी, अगर मैं कोई मेकअप क्लास स्केड्यूलिंग करूं तो उसमें ये होगा कि सम टाइम आप कहते हैं कि इस टाइम हमारी ये क्लास है, कोई और टाइम सजेस्ट करूँ तो उसमें किसी और की कोई क्लास होती है, तो उसमें स्केड्यूलिंग में हमें प्रॉब्लम आती है। तो कह रहे हैं कि विद एंड टीचर्स एंड सर्टेन ओवर रिस्ट्रिक्शंस, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन और स्केड्यूल, कैसे कर सकते स्केड्यूल ऑल द क्लासेस, क्या तो हम सारी क्लासेस को स्केड्यूल करें फिर आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। मेक श्योर दैट नो टू क्लास टीचर्स टीच द सेम क्लास एट द सेम टाइम। ऑब्वियसली अगर इस टाइम पे एक लेक्चर आपका DLD का है तो उस टाइम पे आपका DLD का ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसी टाइम पे आपका कोई इंग्लिश का या आपका PF का लेक्चर हो जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह क्लैश आ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम करते हैं डिफरेंट सॉल्व स्केजुलिंग से, यानी स्केजुल करते हैं आपका शेड्यूल आपकी क्लासेस को, तमाम क्लासेस को। ऐसा नहीं कि हम एक क्लास को स्केजुल कर लें सिर्फ DLD को, मैं कहूँ कि आपकी क्लास 9 o'clock पे DLD के स्टार्ट हो जानी है, बाकी क्लासेस स्केजुल ही ना हो, जब टीचर का दिल करे वो 9 बजे बुला ले फिर भी क्लैश आ जाएगा। तो सारी क्लासेस को स्केजुल करना लाजमी है। नो टीचर इज स्केड्यूल टू टीच 2 क्लासेस एट वंस, कि कोई भी टीचर जो है स्केड्यूल नहीं कर सकता एट अ टाइम एक क्लास को। पेयर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या है, विद एन स्टूडेंट्स एंड के प्रोजेक्ट्स वेयर एन इज इवन कैन बी असाइन पेयर ऑफ स्टूडेंट टू ईच प्रोजेक्ट, के हर पेयर ऑफ यानी 2 स्टूडेंट्स को हर प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा। हर स्टूडेंट एवरी स्टूडेंट वर्क ऑन एवरी प्रोजेक्ट, हर स्टूडेंट हर प्रोजेक्ट पे वर्क करेगा। कि पेयर ऑफ स्टूडेंट्स है, आपने ग्रुप बनाए हैं क्लास के 2-2 स्टूडेंट्स,
और टू टू वो जो पेयर हैं टू स्टूडेंट्स का, वो एक प्रोजेक्ट करेगा और हर स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करेगा। नो स्टूडेंट हैज़ द सेम पार्टनर मोर देन वंस। अब अगर एक जो स्टूडेंट है वो एक का पार्टनर है, वो कभी भी दूसरे का पार्टनर नहीं हो सकता। यानी एक स्टूडेंट दो ग्रुप्स में इंक्लूड नहीं हो सकता, एक स्टूडेंट एक ही ग्रुप में इंक्लूड हो सकता। यानी एक पेयर में जो स्टूडेंट है वो किसी और पेयर में इंक्लूड नहीं हो सकते। तो वो पूछ रहे हैं, इज दिस एनपी प्रॉब्लम? क्या ये एनपी प्रॉब्लम है? ग्राफिक आइसोमॉर्फिज्म, ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म इज एनपी हार्ड, इट इज एनपी कंप्लीट। इसको अभी हम देखते हैं, पहले एनपी एनपी। व्हाट इज एनपी? एनपी इज अ सेट ऑफ ऑल डिसीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन विद यस और नो आंसर, फॉर विच द यस आंसर कैन बी वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम, बिग ऑफ एन ऑफ के, वेयर एन इज अ प्रॉब्लम साइज एंड के इज कॉन्स्टेंट बाय डिटर्मिनिस्टिक टर्निंग ट्यूरिंग मशीन। पॉलिनोमियल टाइम इज समटाइम्स यूज एज अ डेफिनेशन ऑफ फास्ट एंड क्विकली। एन पी क्या है? वो कह रहे हैं कि कंप्लीट जो है सारी प्रॉब्लम की वो डिसीजंस का सेट है जिसमें आपके क्वेश्चंस विद आंसर होते हैं यस और नो में, ठीक है। अगर तो यस आंसर है तो उसको वेरीफाई भी ज़रूरी है उसके पॉलिनोमियल टाइम के अकॉर्डिंग। पॉलिनोमियल टाइम बिग ऑफ एन ऑफ के है, जहाँ पे जो एन प्रॉब्लम हमारे पास प्रॉब्लम की साइज़ अगर एन है तो उसमें के जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। और इसको हम किस तरह डिटर्मिनेट कर सकेंगे? ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन जो होती है वो हमारी किस तरह बताऊँ कि एक प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम को हम डिफरेंट ट्यूरिंग मशीन के सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं कि एक अपनी डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू अपनी फाइनल स्टेप्स की तरफ जाना, डेट इज़ ट्यूरिंग मशीन। पॉलिनोमियल टाइम इज समटाइम्स यूज एज अ डेफिनेशन ऑफ। पॉलिनोमियल टाइम जो होता है उसको हमेशा फास्ट और क्विकली होता है वो, तो इस वजह से उसकी डेफिनेशन जो है फास्ट और क्विकली है। अब इसमें पी क्या है? पी इज़ अ सेट ऑफ ऑल डिसीजन प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम। कि सारी प्रॉब्लम्स को हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करेंगे बाय डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन के थ्रू। सिंस इट कैन सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम, इट कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम, therefore p is subset of np। इसको सोल्व भी पोलिनोमियल टाइम में किया जा सकता है, इसको वेरीफाई भी पोलिनोमियल टाइम में किया जा सकता है, और जो p है हमेशा सबसेट होगा np में। यानी अगर हम np को सोल्व करेंगे तो उसमें p भी सोल्व हो जाएगा क्योंकि वो सबसेट है np का। p जो है वो सबसेट है np का। अब np कंप्लीट, वट इज एन पी कम्प्लीट? अ प्रॉब्लम एक्स डेट इज इन एन पी इज ऑल्सो इन एन पी कम्प्लीट इफ एंड ओनली इफ एवरी अदर प्रॉब्लम इन एन पी कैन बी क्विकली। कि जो प्रॉब्लम एक्स है और उसमें एन पी, जो प्रॉब्लम एक्स और एन पी है वो एन पी कम्प्लीट तभी होगा जब तमाम प्रॉब्लम जो है हमारी क्विकली ट्रांसफॉर्म होंगी एक्स में और पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक्स इज इन एन पी एंड एवरी प्रॉब्लम इज एन पी इज रिड्यूसेबल टू के एक्स। हम सारी अपनी प्रॉब्लम को, एन पी प्रॉब्लम को एक्स में रिड्यूस करेंगे पॉलिनोमियल टाइम में। सो व्हाट मेक्स एन पी कम्प्लीट सो इंटरेस्टिंग इज डैट इफ एनी वन ऑफ द एन पी कम्प्लीट प्रॉब्लम वॉज टू बी सॉल्व क्विकली देन ऑल द एन पी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व क्विकली। अगर हम किसी एक एन पी कम्प्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें इजीली, तो हम तमाम एन पी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। आगे है एन पी हार्ड। व्हाट इज एन पी हार्ड? एन पी हार्ड आर प्रॉब्लम डेट आर एट लीस्ट एज हार्ड एज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन पी। कि वो प्रॉब्लम जो बहुत टफ है, जो बहुत हार्ड है, जो बहुत इजीली सॉल्व नहीं हो सकती एनपी में, डेट इज एनपी हार्ड प्रॉब्लम। नो डेट एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम आर आल्सो एनपी हार्ड। के एनपी कंप्लीट को भी एनपी हार्ड कहा जाता है।
However, not all NP heart problems are NP. कि सारी NP heart problem NP नहीं होती, कि सारे tough problem वो NP नहीं होती है, ठीक है. और even a decision problem, despite having NP as prefix, that NP in NP heart does not mean non-determinist polynomial time. Yes, this is confusing, but its uses is inherently negligent. इन्होंने कुछ बताया हुआ कि NP की conditions क्या हैं. आगे सर्टिफिकेट्स में रिटर्निंग ट्रू और रिटर्निंग फॉल्स का क्या मतलब है, कि ट्रू आए तो क्या मतलब है, फॉल्स क्या. इन अदर वर्ड्स, टू शो दैट द स्केड्यूल कैन बी मेड, वी ओनली हैव टू शो वन स्केड्यूल दैट वर्क्स, दिस इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट में क्या है कि अगर जो भी हमें ऑर्डर आए, जो भी हमें स्केड्यूल करना होगा, ठीक है, वो जो भी, वी ओनली हैव टू शो वन स्केड्यूल, हमें एक स्केड्यूल शो करना होगा, उसको कहते हैं सर्टिफिकेट. इन ऑर्डर टू शो दैट द स्केड्यूल कैन नॉट बी मेड, जहाँ पे हम कहते हैं स्केड्यूल बना ही नहीं है, वी मस्ट टेस्ट ऑल स्केड्यूल, हमें सारे स्केड्यूल्स को टेस्ट करना पड़ेगा. अच्छा, हम सारे स्केड्यूल को टेस्ट करेंगे कि अच्छा ये है, फिर ये स्केड्यूलिंग है, फिर ये स्केड्यूलिंग है, ठीक है. तो हम इन सारे स्केड्यूलिंग को देख, तो हम स्केड्यूल नहीं बना, तो हम क्या करते हैं, रिटर्निंग फॉल्स, ठीक है. उसके बाद ये डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक है. नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम प्रोड्यूस एन आंसर बाय सीरीज ऑफ करेक्ट गैसेस, कि जहाँ पे हम करेक्ट गैस करते हैं, करेक्ट आंसर. डिटर्मिनिस्टिक में यह है कि एल्गोरिथम मेक डिसीजन बेस्ड, कि हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिसीजन बनाते हैं, ठीक है. ये इसमें आगे एन पी कम्प्लीट है, ठीक है. बस इसमें यही चीज़ें थी. ओके जी, अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. तो आगे है प्रूविंग एन पी कम्प्लीटनेस, कि हम एन पी कम्प्लीटनेस को प्रूव किस तरह कर सकते हैं. शो डैट द प्रॉब्लम इज इन एन पी, डैट इज शो डैट सर्टिफिकेट कैन बी वेरीफाइड इन पॉलीनोमियल टाइम, कि हमने क्या करना है, शो करना है कि एन पी जो हमारी प्रॉब्लम है उसको वेरीफाई किस तरह करें और पॉलीनोमियल टाइम में. एज्यूम इट इज़ नॉट एन पी कम्प्लीट, ये थोड़ी सी एज्यूम है, इसको आप रीड आउट थ्रो कर लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैचिंग स्ट्रिंग.